हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सानू। आज मैं आपको बताऊंगी आप फ्रेश एलोवेरा को किन तरीकों से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो और ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पा सकते हो। हमें लेना है एक फ्रेश एलोवेरा, जिसका ऊपर वाला पार्ट हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद इसे पानी में अच्छी तरह से हम धो लेंगे, ताकि इस पर जो भी डस्ट या गंदगी है वो निकल जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसे तीन पार्ट में कट कर लेंगे और इसके दोनों साइड जो कांटे हैं उसे निकाल कर हटा देंगे। हमारे पास जो सबसे छोटा वाला पार्ट है उसे हम बीच से कट करके डिवाइड कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे हम अपने फेस पर रब करने के लिए यूज करेंगे और जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं हम उसे रखेंगे जेल निकालने के लिए। जेल निकालने के लिए हम लेंगे एक छोटी सी नाइफ और एक फोर्क। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से जेल निकाल सकते हो या जैसे भी आपको आसानी लगे आप उसी तरीके से जेल निकाल लेना। मैं यहाँ फोर्क का यूज करके सारा जेल निकाल लूँगी। तो जेल निकालने के बाद ये कुछ इस तरह का निकलता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो ग्रीन पार्ट हमारे पास बच रहा है हम इसे फेंकना नहीं है, हम इसे भी साइड में रख लेंगे। तो अब हमारा जेल रेडी हो गया है यूज करने के लिए। हमारे पास जो बेकार ग्रीन पार्ट बचे हैं इसे मैं हटाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें इन सबको यूज कैसे करना है। हमने जो ग्रीन पार्ट निकाला है सबसे पहले हम उसे लेंगे और उसे लेकर अच्छे से अपने फेस पर रब करेंगे। इस तरह से फ्रेश एलोवेरा को स्किन पर डायरेक्ट मसाज करने से यह आपके स्किन को नरिश करेगा और साथ ही इन्हें मॉइस्चर भी देगा। इसे लेकर हम अच्छे से अपने नोज, चिन, फोरहेड सब जगह अच्छे से मसाज कर लेंगे। एलोवेरा या इसके प्रोडक्ट्स आप विंटर, समर कभी भी यूज कर सकते हो और किसी भी स्किन टाइप के लोग इसका यूज कर सकते हैं। एलोवेरा में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो पिंपल्स और एक्ने को खत्म करने में हेल्प करते हैं। तो पूरे फेस पर हम इसे अच्छे से 5 मिनट तक रब कर लेंगे। उसके बाद हम एक टॉवल लेंगे और उसे ठंडे पानी में भिगोकर वेट कर लेंगे और इससे फेस को वाइप कर लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब आप दो तरीकों से बना सकते हो, मैं यहाँ आपको दोनों तरीके बता दूंगी। पहले तरीके से स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का आटा। आप चावल को मिक्सर में पीस कर भी उसका आटा तैयार कर सकते हो। और हमने जो ग्रीन वाला पार्ट रखा था हम उसको लेंगे और चावल में कुछ इस तरह से डालेंगे और चावल को उसके ऊपर जेल वाले पार्ट पे लगाकर इसे हल्के हल्के हाथों से फेस पर स्क्रब कर लेंगे।
इसे हम थोड़ा थोड़ा चावल लेकर पूरे फेस पर अच्छे से रब कर लेंगे। इसे भी हम 5 मिनट तक फेस पर स्क्रब करेंगे। 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा चावल लेकर अच्छे से पूरे फेस पर स्क्रब कर लेंगे। नोज वाले एरिया पे, चिन वाले एरिया पे, फोरहेड पे अच्छे से पूरी तरफ। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। दूसरे तरीके से स्क्रब बनाने के लिए हम लेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल जो हमने निकाल लिया था। फिर इसमें हम लेंगे 1 स्पून शुगर यानी कि चीनी और 4-5 बूंदे नींबू की। चीनी डेड स्किन सेल्स को स्क्रब करके निकाल देगा और एक्सफोलिएट कर देगा। साथ ही एलोवेरा आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा और लेमन आपके फेस के स्कार्स और टैन को हटाने का काम करेगा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम स्क्रब तैयार कर लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा लेकर अपने फेस पर आराम से हम स्क्रब कर लेंगे। जो भी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन सब का पहले आपको पैच टेस्ट कर लेना है, तभी आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसे भी हम 5 मिनट तक फेस पर रखेंगे और फिर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेंगे। आप इस स्क्रब को चाहो तो पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसे मैं अपने हाथों पे लगाकर दिखा रही हूँ आपको। इस स्क्रब को आप वीक में 2 दिन अप्लाई करना। अब हम बनाएंगे फेस पैक। यह फेस पैक एक्ने या पिंपल्स वाली स्किन पे बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इसके लिए हम लेंगे एलोवेरा जेल, 3 बूंदे हनी की और चुटकी भर हल्दी। इनको हम मिला लेंगे। फिर इसमें लेंगे हम 2-4 बूंदे रोज वाटर की। सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। एलोवेरा की हीलिंग प्रॉपर्टी हनी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और हल्दी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ मिलकर आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और क्लीन बनाएगी, जिससे आपको पिंपल्स या एक्ने से राहत मिलेगा। इस फेस पैक को आप वीक में 1 बार अप्लाई कर सकते हो।
इसे हम अपने फेस पर 5 से 7 मिनट तक रखेंगे। इसके बाद कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लेंगे। अब मैं बनाऊंगी टोनर। इसके लिए मैंने बचे हुए एलोवेरा जेल को मिक्सर में डालकर इस तरह का लिक्विड बना लिया है। इसके साथ हमें चाहिए रोज वाटर और नॉर्मल पानी और एक खाली बॉटल। हमें एलोवेरा जेल और रोज वाटर की इक्वल क्वांटिटी लेनी है और इसमें मिलाना है थोड़ा सा पानी। आप इसे बनाकर फ्रिज में 7 से 8 दिन तक आराम से रख सकते हो और यूज कर सकते हो। इन सबको हम अच्छे से बॉटल में डालकर मिला लेंगे। फेस में लगाने से पहले हम इसे अच्छे से सेक कर लेंगे। तो फेस में लगाने से पहले मैं एक बार इसे अच्छे से सेक कर लूँगी और एक कॉटन बॉल लेंगे हम, जिससे हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। ये टोनर आपको बाहर से ग्लोइंग स्किन देगा और स्किन को हाइड्रेट रखेगा। टोनर को आप डेली अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर। टोनर को अप्लाई करने के बाद हम इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किन पे ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।